आजकल एक बहुत बड़ा इशू है कि गैस की लोड शेडिंग करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, ताकि गैस की सप्लाई हर जगह पे इक्वल रख सके। उसकी वजह से पायलट ऑफ हो जाता है, और उसके बाद में एक पायलट को दोबारा ऑन करने का एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, जो कि घर में जब अक्सर बूढ़े होते हैं या घर में खवातीन होती हैं उन लोगों के लिए करना वो बहुत मुश्किल और दुश्वार होता है। सो हमारी डिवाइस इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकती है कि पायलट कब ऑफ हो गया है, और जब गैस वापस आती है तो उसको पायलट को खुद ब खुद तरीके से ऑन कर सकती है। ठीक है, इसके बाद में आप अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू, ये डिवाइस कनेक्ट हो जाती है मोबाइल के साथ थ्रू इंटरनेट एंड वाईफाई। अब आप मोबाइल ऐप के ऊपर इसको स्केड्यूल दे सकते हैं, जिस तरीके से आप अक्सर सुबह उठने के लिए अपने अलार्म्स रखते हैं, इसी तरीके से आप मोबाइल ऐप के अंदर स्केड्यूल लगा सकते हैं कि फजर के टाइम पे आपको वार्म पानी चाहिए, सुबह नहाने की 2 से 3 घंटे की विंडो होती है उस पर हॉट पानी चाहिए, थ्रू आउट द डे ज़रूरी नहीं है कि आपको गर्म पानी चाहिए हो, आपको नीम गर्म पानी चाहिए तो आप उसका नीम गर्म का शेड्यूल सेट कर दें। उससे होगा कि जब गीज़र डिफरेंट औकात के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे चलेगा तो वो गैस ज़्यादा नहीं खर्च करेगा। ठीक है, और रात के टाइम पे आप इसको ऑफ कर दें। इसको मार्केट में लगाने का मकसद ये था कि हम लोग इस डिवाइस को एक्चुअल में एनवायरनमेंट में और फील्ड में लगा के देखें कि ये किस तरीके से बिहेव कर रही है। इस वक्त हमारे तकरीबन मार्केट के अंदर 50 यूनिट्स लगे हुए हैं, इस्लामाबाद के अंदर और कुछ लाहौर के अंदर भी लगे हुए हैं। टाइमर की डिवाइसेस ऑलरेडी गैस के बिल के पीछे छपी हुई भी आती है, गीजर टाइमर डिवाइस लगाइए उससे गैस की बचत होगी। वो सिर्फ जो आपके गीज़र के ऊपर एक रेड कलर का डायल लगा हुआ होता है वो सिर्फ उसको घुमाती है, उसको नहीं पता होता कि गीज़र ऑन है ऑफ़ है, क्या पायलट ऑन है, क्या गैस आ रही है नहीं आ रही है। वो जो आपने उसके ऊपर टाइम शेड्यूल किया हुआ है वो उस टाइम के ऊपर नॉब को घुमा देगी। गीज़र ऑन होता है नहीं होता ये उसको नहीं पता, या आपको भी नहीं पता जब तक आप सुबह 8 बजे जो है ना पानी का नल खोल के खड़े होंगे शावर के लिए और पानी ठंडा आएगा तो आपको पता लगेगा कि पायलट तो ऑफ हो गया है। अब उस ऑटोमेशन डिवाइस का वो फ़ायदा ख़त्म हो जाता है जब आपको रोज़ सुबह जाके पायलट खुद ऑन करना पड़े। सो सबसे बड़ा फ़र्क तो ये हो गया कि हम लोग पायलट को ऑटोमेटिकली ऑन करें। सेकेंडली, रियल टाइम मॉनिटरिंग है मोबाइल के ऊपर टेम्परेचर की, कि आपको मोबाइल पर रियल टाइम टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। थर्डली, हमारी डिवाइस के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं, प्लस तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करते हैं कि गीज़र की इस वक्त एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। अगर गैस नहीं है तो आपके मोबाइल पर अलर्ट आएगा कि गैस नहीं है। जब गैस आ जाएगी, पानी गर्म हो जाएगा आपके शेड्यूल के ऊपर, तो उस पर भी आपको एक अलर्ट मिल जाएगा छोटा सा कि जब आपका पानी गर्म है।